काम करना ऑलमोस्ट एन अनअवॉइडेबल हो जाता है, तो लेडीज को भी काम में जाना पड़ता है। इस सिचुएशन में आप हमें क्या सजेस्ट करेंगे कि हम बच्चों के अर्ली इयर्स में काम ना करें, उसके बाद काम करें? आप हमें क्या सजेशन दें? सिस्टर की तरफ से, बहन की तरफ से एक सवाल आया है कि कभी कभार ऐसा होता है कि हस्बैंड एंड वाइफ को, मियाँ और बीवी दोनों को जो है अनअवॉइडेबल मतलब काम करना ही पड़ता है ताकि जो गृहस्थी चला। इस मामले में जो मैं क्या सजेस्ट करूँगा, देखिए सबसे पहली चीज़ तो ये कि कभी कभार ऐसा होता है कि हालात मजबूर करते हैं और कभी कभार हम अपने आप को मजबूर कर देते हैं कि ऐसे हालात लाए कि हमें कमाना पड़े और ख़ासतौर से ख़वातीन को भी जान करना पड़े। तो इस मामले में जो है ख़वातीन इस चीज़ को समझे और इस चीज़ को अहमियत दें कि एटलीस्ट उसके अर्ली स्टेजेस में, अगर आप मजबूर भी है कमाने के लिए, तो उसके परवरिश के मतलब उसके अर्ली स्टेजेस के अंदर एटलीस्ट माँ उसके साथ हो। वरना होता ये कि बेबी सिटिंग एक सिस्टम होता है, बच्चे को आप बहुत छोटी उम्र से किसी के पास ले जाते हैं और वहाँ औरतें होती जो उनको संभालती है, यकीनन वो उनकी वैसी तरबियत ना कभी कर सकती है ना कभी कर पाएंगी। और बहुत सी बार इसका नतीजा ये होता है कि बच्चों में ना वालदैन से मोहब्बत होती है, ना इताज गुजार फरमाबरदार होते हैं, ना दीन इस्लाम पर चलने का शौक़ होता है, और ना ही दुनियावी कामों में वो आगे बढ़ते हैं, एजुकेशन में आगे जाते हैं। तो लिहाजा अगर ऐसे अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस हैं तो पहले अर्ली एज में माँ काम ना करें, उसके बाद भी अगर काम करती है तो इतना शॉर्ट, इतना कम से कम ड्यूरेशन हो जो उसकी मजबूरी को दूर कर देता हो। बस ऐसा ना हो कि लॉन्ग आवर्स वर्किंग जैसा मर्द करते हैं कि 10 आवर्स हो गए, 12 आवर्स हो गए। अब जाहिर सी बात है बच्चा 8 घंटे आप घर में आके सोएंगे, 4 घंटे आप सिर्फ फ्री है तो मुश्किल होगा। लिहाजा आप कोशिश करें कि जितना हो सकता उसमें भी कि बच्चे को तरबियत करें और ऐसे स्कूल या ऐसी जगह डालें जहां उसकी सही से वाकई में तरबियत होती हो। लेकिन एक बात जो मेरा मानना है वो ये है कि माँ की जैसी तरबियत और वालिद और वालदा की जैसी तरबियत कहीं भी नहीं मिल सकती। तो कोशिश तो ये हो कि उनके लिए आप ये सेक्रीफाइस करें, लेकिन ना हो पाए तो जितना मैक्सिमम टाइम होता है कंस्ट्रक्टिवली उनके लिए देने की जो है कोशिश करें।